खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। दिल्ली और पंजाब में तो हमने देखा ही, पंजाब के अंदर 92 सीटें हमें कोई नहीं दे रहा था जब हमारी 92 सीटें आई। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले दो दिन से लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है। और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि उन्होंने खुद अपने एग्जिट पोल को हास्यास्पद बना दिया, अविश्वसनीय बना दिया और देश की जनता को बता दिया कि कभी भी इस एग्जिट पोल पर भरोसा मत करना। और ऐसा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ऐसा भारत के चुनावी इतिहास में, एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार घटित हुआ है। दिल्ली और पंजाब में तो हमने देखा ही, पंजाब के अंदर 92 सीटें हमें कोई नहीं दे रहा था जब हमारी 92 सीटें आई। दिल्ली में हमें 2013 में 0 से 6 सीट दी जा रही थी एग्जिट पोल में, 0 से 6, हमारी 28 आई। दूसरी बार कोई 32 दे रहा था, कोई 25 दे रहा था, कोई 22 दे रहा था, हमारी 67 आई। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं, अनेक बार यह गलत साबित हुआ है। और अभी अगर एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम से मैच नहीं कहेंगे तो कोई जवाबदेही नहीं है इन न्यूज एजेंसियों की, इन सर्वे एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इन्होंने दिल्ली के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने पंजाब के एग्जिट पोल गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने माफी मांगी हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल गलत होने पर? कोई जवाबदेही नहीं है।